केरल के भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में नामांकन दायर कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन के प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सीएम डॉक्टर यादव ने नामांकन फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर किए थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए आभार, मैं सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष बी डी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। जॉर्ज कुरियन के नामांकन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केरल से मध्य प्रदेश का विशेष नाता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य भी केरल से मध्य प्रदेश आए थे और अब एक वरिष्ठ साथी केरल से आए हैं, मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद होकर केंद्र में मंत्री थे, अब वह लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ऐसे में जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं। खुशी की बात है कि वह केंद्र में मंत्री भी हैं। निश्चित तौर पर उनके विभाग का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। और धन्यवाद भी अदा करूंगा कि केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भेष, अलग अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये जो भाषा को, क्षेत्रीयता को, परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई और उम्मीद करेंगे कि मध्यप्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। वहीं जॉर्ज कुरियन के नॉमिनेशन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भाजपा के दिग्गज नेता ने मध्य प्रदेश कोटे से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे न केवल तमिलनाडु बल्कि केरल के अपने एक वरिष्ठ साथी को राज्यसभा भेजने का काम किया है। जॉर्ज कुरियन के अनुभव का मध्य प्रदेश बीजेपी को लाभ मिलेगा। आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केरल से आज जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और मैंने जॉर्ज कुरियन जी का बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।